वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो स्नेल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन है उसी के अगले ऑब्जेक्टिव्स को जो है यहाँ पे आके हम लोग कवर करेंगे। सो जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं जो अपलोडेड हो चुकी हैं उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हमने जो है वो प्रीवियस केस जो स्नेल एनाटॉमी का पहला केस था, लाइक ये केस है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। देन हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव के कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट वीडियोस थी हमारे पास लेक्चर नंबर 2 था, उसमें हम लोगों ने प्लेन्स को डिस्कस किया था एंड एनाटॉमी की डेफिनेशंस वगैरह को और किस वजह से ये टर्म्स पढ़ना ज़रूरी है, हमने इन तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया था। दैन लेक्चर नंबर 3 में हमने ये सारी प्लेन्स एंड जो है वो प्लेन्स और पोजीशंस जो थी वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। लेक्चर नंबर 3 है स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी चैप्टर नंबर 1 का। सो आप जाके ये वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझ आ सके। अच्छा गाइस, उन सब लेक्चर्स की जो लेक्चर्स अपलोडेड हो चुके हैं, जो वीडियोज़ अपलोडेड हो चुकी हैं स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, सो उनकी डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कीजिएगा। वहाँ पे मैंने जो है वो काफ़ी सारी वीडियोस के जो है लिंक्स दिए हुए हैं। अच्छा, वो सारी वीडियोस जो है वो क्लिनिकल स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी जो चैप्टर नंबर 1 है उसी की वीडियोस है। मीन्स के उसमें अलग तरीके से आपको बताया गया है कि मीन्स के हर टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। लाइक प्लेन्स, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी में इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी बताई गई है कि किस तरीके से एनाटॉमी इंट्रोड्यूस हुई थी। देन उसके बाद बॉडी प्लेन से रिलेटेड 2 वीडियोस हैं। अच्छा, बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस हैं और लोअर लिम्ब अपर लिम्ब की मूवमेंट किस तरीके से होती है, उसके लिए कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा जर्नल मूवमेंट्स के लिए कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं एंड उसके अलावा इस तरीके से ही रिलेटेड टू ट्रंक एंड हेड जिस तरीके से आपकी मूवमेंट्स होती हैं उनके लिए कौन सी टर्म यूज़ होती हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास प्लेन्स एंड पोजीशंस की भी अलग अलग वीडियोस हैं। सो वो सारी डिस्क्रिप्शन वीडियोस हैं, मीन्स के डिस्क्रिप्टेड वीडियोस हैं। सो इस चैप्टर से आपको ये पता चलता है कि आपके लिए जो है वो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो जो सारी वीडियोस हैं उनसे आपको डायग्रामेटिक वे में जो है वो आपको पता चलता है कि कौन सी मूवमेंट किस तरीके से हो रही है, कौन से प्लेन्स हैं, किस तरीके से हम उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। सो वो वीडियोज़ आप लोग ज़रूर देखें, इसके साथ साथ स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, क्योंकि जब आप MBBS की स्टडी कर रहे होते हैं सो आपको हर चीज़ डिटेल में पता होनी चाहिए। सो वो जो वीडियोस हैं उनमें काफ़ी सारी बुक्स को मर्ज करके वो वीडियोस बनाई गई हैं, काफ़ी सारी बुक्स से पॉइंट्स लिए गए हैं और देन वो वीडियोस बनाई गई हैं। सो वो वीडियो भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में की डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनके जो है वो लिंक्स दे दूँगी। लाइक टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट्स, यहाँ पर टर्म्स जनरल टर्म्स दी गई हैं रिलेटेड टू मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर तो जनरल दी गई हैं और वहाँ पर मैंने अलग से ट्रम्स जो कि यूज़ होती हैं लोअर लिम्ब की मूवमेंट में, ट्रम्स जो कि यूज़ होती हैं अपर लिम्ब की मूवमेंट में, ट्रम्स जो कि रूट यूज़ होती हैं हेड और नेक की मूवमेंट में, वो सब अलग अलग वे से मैंने उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। सो इस लेक्चर के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मूवमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं उनकी जो डिटेल है, उनके जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो सके। सो स्टार्ट करते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट, अ साइड वेयर 2 और मोर बोन्स कम टुगेदर इज़ नोन एज अ जॉइंट। इसको पता है कि वो साइड जहाँ पे 2 बोन्स आपस में आके मिलती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स आपस में आके मिलती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं हम, ठीक है। सम जॉइंट हैज़ नो मूवमेंट स्विचर्स ऑफ द स्कल, कुछ जॉइंट्स होते हैं जिनकी कोई मूवमेंट नहीं होती। लाइक स्कल की जो बोन्स हैं उनके अंदर जो स्विचर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। सो सम हैव ओनली स्लाइट मूवमेंट, सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि कुछ में स्लाइट मूवमेंट होती है, कौन सा, सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट्स में कि आपके पास जो टिबिया और फिब्यूला के दरमियान मीन्स के लोअर लिम्ब की बोन्स हैं इनके दरमियान जो जॉइंट बनता है, ठीक है, उसके अंदर स्लाइट मूवमेंट होती है। एंड सम आर फ्रीली मूवमेंट लाइक शोल्डर जॉइंट, और जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो हमारे पास फ्रीली मूवमेंट्स होता है। सो एटलीस्ट आपको जॉइंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। जॉइंट की डेफिनेशन क्या है, अ साइड वेयर 2 और मोर बोन्स कम टुगेदर इज नोन एज जॉइंट्स। एग्जाम्पल में आपको होना चाहिए कि जॉइंट्स के कितने टाइप्स के होते हैं। अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट्स जॉइंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, लाइक सम जॉइंट्स विच हैव मूवमेंट्स लाइक विच हैव स्लाइड मूवमेंट्स, ओके, फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर टिब्यूलर जॉइंट, सुपीरियर टिब्योफिब्युलर जॉइंट्स, एंड सम जॉइंट्स हु हैव नो मूवमेंट्स लाइक suture of the skull. And इस तरीके से some joints are freely movable joints like the shoulder joints. So इसने movements के accordingly तीन types में joint को जो है वो divide किया गया है. So आपको ये चीज़ आनी चाहिए, आपके mind में होनी चाहिए. उसके बाद है flexion. अब हमारे पास flexion का क्या है, हमारे पास कि अगर हम लोग जो है फ्लेक्शन क्या होती है. फ्लेक्शन इज अ मूवमेंट दैट टेक प्लेस इन अ सजाइटल प्लेन. फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट अप्रॉक्सीमेट द एंटीरियर सरफेस ऑफ द फॉरआर्म टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द आर्म. देखो फ्लेक्शन क्या होती है. फ्लेक्शन क्या होती है, एक ऐसी मूवमेंट्स है जो सजाइटल प्लेन पे होती है. ठीक है, जो हमारे पास किस प्लेन पे होती है, सजाइटल प्लेन पे होती है. ओके इसमें क्या होता है, देखो पैरामीडियन प्लेन था ना, उसे हम लोग सजाइटल प्लेन भी कहते हैं. वो प्लेन जो कि बॉडी को टू अनइक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, उसे हम लोग सजाइटल प्लेन कहते हैं. अच्छा ये जो फ्लेक्शन है वो सजाइटल प्लेन पे होती है. तो आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि फ्लेक्शन ऐसी कौन सी मूवमेंट है जो सजाइटल प्लेन पे होती है, तो आप बता सकते हैं कि फ्लेक्शन. इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी के फ्लेक्शन किस प्लेन पे होती है, तो आप बता सकते हैं कि वो सजाइटल प्लेन पे होती है. अब एग्जाम्पल क्या है, एल्बो जॉइंट की फ्लेक्शन है, मीन्स कि एल्बो जॉइंट की हमारे पास फ्लेक्शन दिखा रहे हैं approximately the anterior surface of the forearm to the anterior surface of the arms. ये क्या करता है, मीन्स के एंटीरियर सरफेस को अप्रॉक्सीमेट करता है टू दी एंटीरियर सरफेस ऑफ द आर्म को एंटीरियर सरफेस ऑफ दी फोरआर्म. मैं डायग्राम में दिखाती हूँ. इट इज़ यूजुअली एन एंटीरियर मूवमेंट्स बट इट इज़ ओकेजनली पोस्टीरियर एज इन केस ऑफ द नी जॉइंट्स. यूजुअली एंटीरियर मूवमेंट होती है. देखो इस मैं एक मिनट डायग्राम दिखाती हूँ, फिगर 1.2. अगर मैं आपको यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, ये जो हो रही है ना, ये वाला प्रोसेस हमारे पास, ये हमारे पास बाजू है 90 डिग्री के ऊपर. अगर आर्म और फोरआर्म आपस में 90 डिग्री के ऊपर आपस में करीब आ जाते हैं तो ये हमारे पास फ्लेक्शन कहलाती है. और यही अगर यही आर्म जो है वो सीधा आ जाता है तो हमारे पास एक्सटेंशन कहलाता है. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मैं आप लोगों को पाँव की मूवमेंट दिखा दूँ, इसमें उल्टा होता है. इसमें अगर पीछे की तरफ पाँव जाता है तो वो फ्लेक्शन कहलाता है, और अगर आगे की तरफ पाँव आता है तो वो हमारे पास एक्सटेंशन कहलाता है. ठीक है, इस मूवमेंट से आप लोग याद कीजिएगा कि फ्लेक्शन क्या होती है. मींस कि अगर आर्म और फोरआर्म, देखो आर्म और फोरआर्म एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है, तो ये फ्लेक्शन है. आर्म और फोरआर्म एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इस मीन्स ये एक्सटेंशन है. इस तरीके से नी में थोड़ा सा उल्टा होता है. अगर नी जॉइंट में पीछे की तरफ पाँव मूव करता है तो उसे फ्लेक्शन कहते हैं, और अगर आगे की तरफ आता है तो उसे हम लोग एक्सटेंशन कहते हैं. ठीक है, इस तरीके से आपको माइंड में होना चाहिए कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन किस तरीके से होती है. आपसे वाइवा में भी कहा जा सकता है कि मुझे हैंड की जो है वो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करके दिखाओ, मुझे नी जॉइंट पे जो है वो एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन करके दिखाओ. या आपसे पूछ देता है कि मुझे एल्बो जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करके दिखाओ, तो आपने ये करना है. अगर नी जॉइंट पे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करने को एग्जामिनर बोले तो आपको इस तरीके से मूवमेंट करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे ये समझाया गया है. एक्सटेंशंस मींस स्ट्रेटिंग दी जॉइंट्स एंड यूजुअली टेक प्लेस इन पोस्टीरियर डायरेक्शन. एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जॉइंट को स्ट्रेट करना, और यूजुअली ये पोस्टीरियर डायरेक्शन में होती है. ठीक है, C1.2 में आपको दिखा दिया मैंने. ठीक है, उसके बाद लेटरल फ्लेक्शन. लेटरल फ्लेक्शन इज द मूवमेंट ऑफ द ट्रंक इन द कोरोनल प्लेन. लेटरल फ्लेक्शन क्या होती है, लेटरल फ्लेक्शन जो होती है वो मेनली मूवमेंट होती है ट्रंक की, होती है इन दी कौन सी कोरोनल प्लेन में. जैसे 1.3 डायग्राम में आपको दिखाया गया है लेटरल मूवमेंट एंड दी. यहाँ पे देखो आपको जो है वो कोरोनल सेक्शन में आपको क्या मूवमेंट दिखाई गई है, लेटरल मूवमेंट एट दी कोरोनल सेक्शन. सो यहाँ पे आप लोग देखो ये हमें क्या बताई गई, लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक. ट्रंक का अगर लेटरल साइड देखो, हम लोगों ने लेटरली हम लोगों ने पीछे वीडियो में पढ़ा था मीडियन प्लेन से अवे. जो प्लेन देखो ये हमारे पास मीडियल सजाइटल प्लेन था, इससे अवे अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो लेटरल हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता था कि लेटरल. ठीक है, वो कौन सा प्लेन होना था, वो हमारे पास लेटरल कहलाता है. लाइक ये लेटरल बॉर्डर है, तो यहाँ पे अगर हम लोग काफ़ी कोई स्ट्रक्चर मीडियन प्लेन से दूर होगा तो वो लेटरल कहलाता है. सो अब हमें लेटरल फ्लेक्शन करनी है, तो इट्स मीन्स के मीडियन प्लेन तो सीधा होता है, तो इसका मतलब कि आपको टेढ़ा होना, तो ये हमारे पास लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक कहलाती है. ठीक है, ये मूवमेंट क्या कहलाती है, लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक कहलाती है. इस तरीके से आगे चलते हैं. अबडक्शन. अबडक्शन इज अ मूवमेंट ऑफ द लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इन द कोरोनल प्लेन. और उसके बाद है अडक्शन इज अ मूवमेंट ऑफ द लिम्ब टूवर्ड द बॉडी इन द कोरोनल प्लेन. देखो इसमें क्या होता है कि मूवमेंट्स होती है कोरोनल प्लेन में. कोरोनल प्लेन क्या होता था, देखो कोरोनल प्लेन होता था जो कि बॉडी को क्या करता था, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायरेक्शन में क्या करता था, अवे कर, मीन्स के इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायरेक्शन में उसे डिवाइड करता था. यहाँ पे हमने कोरोनल प्लेन किया था. ठीक है, यहाँ पे हमने कोरोनल प्लेन किया था. ये पिंक लाइन जो है वो कोरोनल प्लेन थी. ये क्या कर रही थी कि बॉडी को जो है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस में डिवाइड कर रही थी. सो यहाँ पे अबडक्शन का मतलब, सिंपल अबडक्शन का मतलब आपको याद होना चाहिए. अबडक्शन और अडक्शन का मतलब होता क्या है, देखो अगर हमारे पास लाइक यहाँ पे आपको यहाँ पे अबडक्शन एडक्शन दिखाई गई है। देखो अगर ये हाथ, अगर आप अपने हाथ को बिल्कुल बॉडी के साथ मिला देते हो ना तो उसे एडक्शन कहते हैं, और अपने हाथ को बॉडी से दूर करते हो तो इसे क्या कहते हैं, अबडक्शन कहते हैं। ये मीडियल प्लेन है, ठीक है। मीडियल प्लेन में अगर मीडियल प्लेन से करीब हो जाना हैंड का उसे हम लोग एडक्शन कहेंगे, और दूर हो जाना उसे अबडक्शन कहेंगे। सिंपल ऐड से याद कर लो, ऐड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जमा करना, ठीक है। तो ये हाथ अगर आप अपने करीब कर देंगे ना, बॉडी से बिल्कुल करीब कर देंगे, सो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एडक्शन। और अगर बॉडी से दूर होंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, अबडक्शन। इसी तरीके से ही हम लोगों के लोअर लिम में भी होता है, अगर पाँव को करीब करेंगे, दोनों पाँव आपस में जो है वो मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाता है, जो है एडक्शन। और अगर पाँव दूर करेंगे एक दूसरे से, फासला उनके अंदर करेंगे, तो वो हमारे पास एडक्शन, अबडक्शन की मूवमेंट कहलाती है, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया, इन द फिंगर एंड टोज अबडक्शन इज अप्लाइड टू स्प्रेडिंग ऑफ दीज स्ट्रक्चर एंड अबडक्शन इज अप्लाइड टू ड्राइंग टुगेदर ऑफ दिस स्ट्रक्चर, सी फिगर 1.3। अब यही अबडक्शन एंड एडक्शन जो है फिंगर्स में बताई जा रही है, ठीक है। अब देखो एडक्शन ऑफ फिंगर क्या है, यहाँ पे देखो ये अबडक्शन ऑफ द फिंगर है और ये हमारे पास क्या है, एडक्शन ऑफ द फिंगर। देखो अबडक्शन ऑफ द फिंगर में ये होता है कि हमारे पास, हम जो हमारे पास फिंगर्स है ये मिड लाइन है हमारे पास, मिड लाइन से अगर हम लोग सब को जोड़ लेंगे, उनको करीब ले आएंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एडक्शन ऑफ दी फिंगर कहलाएगी। लेकिन अगर मिड लाइन से अवे करेंगे, फिंगर्स को अवे मूव होंगी, इस तरफ मूव होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, अबडक्शन ऑफ दी फिंगर्स, ठीक है। सो ये अबडक्शन मेनली आपसे जो है वो लोअर लिम एंड अपर लिम की पूछी जाती है, लेकिन आप लोगों को आनी सबकी तरफ चाहिए। तो यही है कि इन फिंगर्स एंड टोज अबडक्शन इज अप्लाइड टू स्प्रेडिंग ऑफ दीज स्ट्रक्चर एंड एडक्शन इज अप्लाइज टू ड्रॉइंग टुगेदर ऑफ दीज स्ट्रक्चर, ठीक है। वही बात की है द मूवमेंट्स ऑफ थम्स विच आर अ लिटल मोर कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, मूवमेंट्स ऑफ थम हैं जो थोड़ी बहुत लिटल मोर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हैं। यहाँ पे देखो ये हमारे पास थम की मूवमेंट है, देखो इसमें क्या बता रहा है, ये आपको होनी चाहिए थम की मूवमेंट। सबसे पहले हम लोग एडक्शन एंड अबडक्शन की बात कर लेते हैं। देखो थम, अगर थम को अगर यूँ देखो, ये यूँ है थम, ठीक है। अगर आपका थंब इस तरीके से है तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अबडक्शन की मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप थंब को दूर कर देते हो तो ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास एडक्शन है, ऐड कर दिया। अगर थंब को दूर कर दिया तो हमारे पास अबडक्शन हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, फ्लेक्शन एंड स्ट्रेक्शन क्या होगी, अगर हम लोग थंब को इस तरफ करते हैं तो ये हमारे पास फ्लेक्शन कहलाती है, ठीक है। और अगर स्ट्रेट कर लेते हैं तो एक्सटेंशन कहलाती है। एक्सटेंशन का मेन पॉइंट ही ये था कि एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आपका जॉइंट बिल्कुल सीधा हो जाए। सो यहाँ पे जो हमारा जॉइंट है वो अगर यूँ हो रहा है, हम अगर यूँ अंगूठा कर रहे हैं तो इस मीन ये हमारे पास फ्लेक्शन हो रही है। अगर अवे कर रहे हैं, ठीक है, और अगर स्ट्रेट कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो रही है, ये हमारे पास इसमें जो है जो मूवमेंट्स हो रही है वो एक्सटेंशन ऑफ द थंब की हो रही है, ठीक है। अब अगर कोई आपसे कहे कि अबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ द थंब करके दिखाओ तो ये हमारे पास एडक्शन ऑफ द थंब हो गई, ठीक है। और कोई कहे कि अबडक्शन करके दिखाओ, अब तो अबडक्शन में हमने अवे कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये फिंगर्स हैं, ठीक है। ये आपकी जो मिडल फिंगर है ना, इसके करीब अगर आपकी फिंगर्स आ जाती हैं तो वो एडक्शन करिए, लेकिन इससे दूर चली जाती हैं ये एडक्शन हो गई, इससे दूर चली गई तो ये अबडक्शन हो गई, ठीक है। ये फिंगर्स की मूवमेंट्स हो गई। सो इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो मूवमेंट्स आपस में बतानी है कि थंब की ये मूवमेंट्स जो हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, रोटेशन इज द टर्म अप्लाइड टू द मूवमेंट्स ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस। रोटेशन का मतलब होता है बॉडी को रोटेट करना, मतलब इसके लॉन्ग एक्सिस में बॉडी का रोटेट हो जाना, ठीक है। वो दिखाती हूँ। मीडियल रोटेशन इज द मूवमेंट दैट रिजल्ट इन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पार्ट फेजिंग मीडियली। मीडियल रोटेशन है तो मतलब कोई भी चीज़ जो है वो अलॉन्ग द मीडियल प्लेन मूव करेगी। लेटरल रोटेशन इज द मूवमेंट दैट रिजल्ट एंटीरियर सरफेस ऑफ द पार्ट फेजिंग लेटरली। मीन्स की मूवमेंट इस रोटेशन इस तरीके से होगी कि वो बॉडी इस तरीके से रोटेट करेगी कि उसका फेस जो है वो बेसिकली लेटरली हम लोग देखेंगे कि वो पोजीशन उसकी लेटरल आ रही है। मैं अगर आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पे जो है वो रोटेशंस के बारे में दिए गए होंगे, एक मिनट। अच्छा, रोटेशन अगर है, देखो ये देखो ये देखो, ये लेटरल रोटेशन ऑफ दी शोल्डर जॉइंट दी हुई है और ये मीडियल रोटेशन ऑफ दी शोल्डर जॉइंट। मीडियल किसी भी पार्ट का मीडियली मूव करना मीन्स कि ये देखो मीडियल डायरेक्शन में आ रहा है। बाजू को अगर इस तरीके से करेंगे हम लोग, फोरआर्म को इस तरीके से प्लेस करेंगे तो ये मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइन होगी, और उसको अगर इस तरीके से मूव करेंगे कि वो अगवे टू द मीडियल लाइन होगा तो ये हमारे पास लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइन होगी। सो ये आपको इस तरीके से ही याद करनी है कि आप ये माइंड में हो। इस तरीके से प्रोनेशन ऑफ द फोरआर्म, Pronation of the forearm is a medial rotation of the forearm in such a manner that the palm of the hand faces posteriorly. देखो इसमें क्या है कि प्रोनेशन में इस तरीके से मूवमेंट होनी चाहिए, प्रोनेशन ऑफ द फोरआर्म में इस तरीके से मूवमेंट होनी चाहिए कि जो आपका पाल्म है, जो हमारे पास पाल्म ऑफ द हैंड है ना, वो क्या कर रहा है, पोस्टीरियर मूव कर रहा है, पोस्टीरियर. एंड सुपिनेशन ऑफ द फोरआर्म इज द लेटर रोटेशन ऑफ फोरआर्म फ्रॉम द प्रोनोटेड पोस्टीरियरली सो दैट द पाल्म ऑफ द हैंड कम्स टू फेस एंटीरियरली. देखो अगर हमारे पास सुपिनेशन, अगर देखो ये सुपिनेशन है, प्रोनेशन में क्या है, इस तरीके से हाथ को रोटेट करवाना कि वो हमारे पास उसके जो हमारे पास ये देखो ना हैंड है, मीन्स कि ये देखो ये हमारे पास क्या रोटेशन ऑफ दी, हम रोटेशन ऑफ दी फोर आर्म कर रहे हैं. तो इस तरीके से अगर हम लोग अपने हैंड को मूव करवाएंगे ना, सो इस मीन्स ये प्रोनेशन ऑफ दी फोर आर्म होगी. और अगर हम लोग इस तरीके से हैंड को फोर आर्म करवाएंगे ये सुपिनेशन ऑफ दी फोर आर्म होगी, क्योंकि ये सुपीरियर सरफेस है. सो ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी प्रोनेशन ऑफ दी फोर आर्म हो गई और ये हमारे पास सुपिनेशन ऑफ दी फोर आर्म हो गई. ठीक है, सो इसी सेक्शन में आपको बताना है. ओके, ये मूवमेंट्स आप इस तरीके से अपने साथ करके भी देखेंगे तो फिर आप लोगों को ये याद होती जाएंगी. देन उसके बाद हमारे पास क्या है, सर्कमडक्शन, जो आपसे बार बार पूछी जाती है, एमसीक्यूज में भी ज़्यादा पूछी जाती है. सर्कमडक्शन इज द कम्बिनेशन इन अ सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन. सी फिगर. इसमें सारी जो है वो मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन भी होगी, एक्सटेंशन भी होगी और हमारे पास क्या है, अबडक्शन भी होगी. मीन्स के हर फिंगर, हर जो हमारे पास मूवमेंट्स होगी ना, वो हमारे पास इसमें होती है. सर्कमडक्शन में इस तरीके की मूवमेंट होती है, ये सर्कमडक्शन. मीन्स के हमारा जो हैंड है ना, शोल्डर जॉइंट पे देखो ये सारी मूवमेंट्स करता है. ये फ्लेक्शन भी कर सकता है, ठीक है, एक्सटेंशन भी कर सकता है, मीन्स के फ्लेक्शन भी कर सकता है, एक्सटेंशन भी कर सकता है, रोटेशन भी कर सकता है. तो ये 90 डिग्री में पूरा मूव कर सकता है. मीन्स कि ये देखो पूरा 180 डिग्री में पूरा मूव कर रहा है. सो इसको क्या कहते हैं हम, सर्कमडक्शन. सर्कमडक्शन में क्या होती है कि इज द कम्बिनेशन इन सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड अबडक्शन. तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास जो है शोल्डर जॉइंट पे सारी मूवमेंट्स हो रही हैं. देखो हम पूरा जो है वो कर सकते हैं. अपने हैंड को देखो आप पूरा गोलाई में घुमा सकते हो, ठीक है. आप मीन्स के जब ये देखो ना, आप पूरा जो है जैसे बॉल को जब आप बॉल खेल रहे होते हो, मीन्स के आप जब भी जो है वो फुटबॉल खेल रहे हो, जो है क्रिकेट खेल रहे होते हो, तो उस वक्त आप किस तरीके से बॉल की मूवमेंट करवाते हो, तो उस वक्त जब आप लोग अपने हैंड को पूरा मूव कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारे पास सर्कमडक्शन कहलाता है, ठीक है. सो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सर्कमडक्शन कहलाता है. देन उसके बाद प्रोनेशन. प्रोनेशन इज द मूव फॉरवर्ड. प्रोट्रैक्शन. प्रोट्रैक्शन का मतलब होता है इज मूव फॉरवर्ड. रिट्रैक्शन इज मूव बैकवर्ड. यूज टू डिस्क्राइब द फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द जॉ एट द टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट्स. देखो यहाँ पे जो है मैं इसको यहाँ पे तो डिस्क्राइब नहीं कर सकती. जो प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन होती है ना, ये हम लोग जॉ में करते हैं, ठीक है. जॉ को अब जब हम लोग मूवमेंट्स ऑफ दी, ये हमारे पास जॉ में होता है. जॉ में क्या होता है, जब आप फॉरवर्ड जॉ को जब फॉरवर्ड मूव करवाते हो ना, तो वो प्रोट्रैक्शन कहलाती है. और उसको अंदर जब करते हो ना अपने जॉ को, तो वो रिट्रैक्शन कहलाती है, ठीक है. ये डायग्राम्स के साथ आप जब मेरी मूवमेंट्स की वीडियोस देखेंगे ना, उसमें डायग्राम्स के साथ मैंने वहाँ पर जो है वो आपको डिस्क्राइब की गई है. उसके बाद इन्वर्जन. इन्वर्जन दी मूवमेंट्स ऑफ दी फूड सो दैट द सोल फेज इन मीडियल डायरेक्शन. इन्वर्जन में जो है वो फुट मीडियल डायरेक्शन में मूव करता है. एंड इन्वर्जन में इज द ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ द फुट सो दैट सोल फेज इज इन लेटरल डायरेक्शन. इसमें सोल जो है वो लेटरल डायरेक्शन में चली जाती है. मैं फुट का आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इन्वर्जन एंड रिवर्जन क्या है. देखो इन्वर्जन में क्या हो रहा है, इन्वर्जन में सोल जो है वो हमारे पास क्या करिए, वो मीडियल डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है. इन्वर्जन में सोल जो है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में जा रही है, वो लेटरल डायरेक्शन में. सो ये हमारे पास देखो इन्वर्जन इज द मूवमेंट्स ऑफ द फुट सो दैट द सोल फेजेस इन मीडियल डायरेक्शन. सोल मीडियल डायरेक्शन में मूव करिए और इवर्जन में जो है वो सोल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में. सो आपको इवर्जन करनी है तो इस तरीके से करनी है, ठीक है. सोल जो है वो लेटरल डायरेक्शन में जा रही है और इसमें सोल जो है वो मीडियल डायरेक्शन की तरफ आ रही है. सो ये हमारे पास इन्वर्जन कहलाएगी, ये हमारे पास इवर्जन कहलाएगी. सो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. इसमें आपको सारी एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन एंड शोल्डर जॉइंट की बताई गई है. इसमें आपको जो है वो अबडक्शन, अडक्शन दिखाई गई शोल्डर जॉइंट पे भी और हिप जॉइंट के ऊपर भी, ठीक है. उसके बाद इसके अंदर आपको सिर्फ नी जॉइंट के, इसमें एल्बो जॉइंट के ऊपर एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन है. इसमें आपको क्या है, अच्छा इसमें आपको क्या करवा के दिखाई गई है कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एट नी जॉइंट, ठीक है. देखो अगर आपसे कहेंगे शोल्डर जॉइंट पे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करके दिखाओ, तो आपको ये मूवमेंट करके दिखानी है. और अगर आपको एल्बो जॉइंट पे गएंगे तो आपको ये मूवमेंट करनी है. इसी तरीके से नी जॉइंट पे आपको कहेंगे तो आपको ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की मूवमेंट्स करनी है. देन मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट बताएं तो आपको इस तरीके से करके दिखाना है. लेटरल रोटेशन बताएं तो आपको इस तरीके से. सर्कमडक्शन बताएं तो आपको अपने जो हैंड को है वो पूरी डायरेक्शन में पूरा सर्कुलर मूव करके दिखाना. अच्छा सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म कहें तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अपनी जो है हैंड को कर देना है, ठीक है। और अगर प्रोनेशन कहें तो आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से लेटरल रोटेशन आपको इस तरीके से करके दिखानी है। देन इवर्जन ऑफ इन्वर्जन की फूड में आपको इस तरीके से बताना है। देन अबडक्शन है एंड एडक्शन ऑफ फिंगर्स है। देन फ्लेक्शन ऑफ द थंब है, एक्सटेंशन ऑफ द थंब है। उसके बाद अबडक्शन है एंड एडक्शन ऑफ द थंब है एंड ओपोजिशन ऑफ द थंब एंड फिंगर। देखो अपोजिशन ऑफ द थंब एंड लिटल फिंगर में क्या होता है, अपोजिशन ऑफ थंब में क्या होता है कि लिटल फिंगर अगर ये इस तरीके से टच करेंगे ना, लिटल फिंगर जो है वो जब थंब को टच करती है, ठीक है, दोनों की टिप्स आपस में टच करती हैं, तो ये इसे कहते हैं अपोजिशन ऑफ द थंब एंड द लिटल फिंगर, ठीक है। सो ये वो मूवमेंट्स थी जो आप लोगों को आनी चाहिए। सो यहाँ पर जो मेनली मूवमेंट्स दी गई हैं, ये मूवमेंट्स आपको आनी चाहिए या आपको एनी हाउ इसी तरीके से याद होंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत आते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एमसीक्यूज में पूछा जाता है वाइवा में आपको पता, आपसे कहा जाता है कि हमें ये मूवमेंट्स करके दिखाओ, मीन्स कि वो आपको कहते हैं कि हमें फ्लेक्शन एट दी एल्बो ज्वाइन करके दिखाएं, तो इस तरीके से फ्लेक्शन एक्सटेंशन एट दी नी ज्वाइन करके दिखा दे, तो आप लोग को ये मूवमेंट्स करके दिखानी होती हैं, ठीक है। तो थंब की जो जो इजी सी मूवमेंट्स हैं वो सब आपसे पूछते हैं। सो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे आपके जो भी क्वेरीज हैं ना कमेंट्स के थ्रू मुझे बताते रहा करें। और मूवमेंट से रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रही हूँ, उसमें सारी मूवमेंट्स रिलेटेड टू हेड, रिलेटेड टू नेक, रिलेटेड टू अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, सबको कैटेगराइज करके मैंने डिस्क्राइब किया है। वो वीडियोज़ जाके ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया हो। और प्रोट्रेक्शन एंड रिट्रैक्शन वाली जो मूवमेंट्स है वो भी वहाँ पे जाके अच्छे से डिस्कस की गई है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो उसमें गैस ये इस चैप्टर में ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो टर्म्स और आपके पास प्लेन्स और मूवमेंट्स लाजमी आपसे पूछी जाती हैं, वाइवा में भी, एमसीक्यूज में भी, ठीक है। सो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी। सो ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। सो ये वीडियोस जाके ज़रूर देखें और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस जो है अपलोड करती रहूँ। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप बेझिझक मुझे जो है कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो गाइस इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।